और यहाँ मस्त वाला धूप और खास भी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग से अपने एवरीवन, कैसे हो लोग, आई होप मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते देवभूमि की खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। दोस्तों अभी टाइम सुबह के 9:30 बजने वाले और आज मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। गाइस आज यहाँ मौसम की बात करूँ तो आसमान बिल्कुल साफ है और यहाँ मस्त वाला धूप और खास भी। अभी ना इस साइड हल्के हल्के से बादल भी आने लग गए हैं। आज ना हम लोग यहाँ छत साफ कर रहे हैं, पूरे छत में धूल ही धूल हो रहा था। परसों हल्का सा ये डीप में सीमेंट डाला था तो वहां से पूरा ये छत सफाई कर रहे अभी। गाइस अभी टाइम शाम के 3 बज चुके हैं और यहाँ सनसेट हो चुका है, तो 2:30 बजे के आसपास यहाँ सूर्यास्त हो जाता है। आज ना हमारे गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो ये ऊपर वाला घर दिख रहा है वहीं, और रात को सत्यनारायण भगवान की कथा होगा। अभी थोड़ी देर में हम भी चलेंगे ऊपर ही ना, पहले चाय चुई बना लेते, चाय पी लेते हैं। तो अभी मेरा चाय ही बनने लग गया है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घूमने तो ना एक ही लिए दो ये जब ना क्या है जाओ हां नहीं गांव में भी अभी गांव में थोड़ी ना जाते हैं, यहां तो आ रखे हम लोग। क्यों की कैसे ए सेमिया ते हम क्या क्या ना सुबह चल तुम क्या के नहीं पहने तुम मैं कर रही हूं जितना गाइड यहाँ पर ये गनवारा बना रखा और रात का खाना बनाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर खाना बनाने स्टार्ट करेंगे, अभी उधर सब्जी कटिंग चल रही है। अभी यहाँ पर सब्जी कटिंग होने लग गई है, तो इसके बगल में किचन है, तो वहाँ पर अभी खाना खुना बनेगा थोड़ी देर बाद। तो हमने रवि पंडित जी आ गए, वो भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गाइज अभी यहाँ पर ना पूजा की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, जैसे ही पूजा की तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद पंचांग होता और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाएगा। पूजा कर्म समारोहे भगवते नमो नारायण मेरुपृष्ठ विनियोगूज्य हरि ओम अहम गमनम समर्पयामि गंगारांद्रादर्शान यहाँ पर पंचांग पूर्ण हो चुका है और पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे लेकिन हम
खाना बारी करके नामांकन संस्कार बोले समय जो उसमें जो सब्जी वालों से नाम गाय जब भी पूजा संपन्न हो चुकी है और अब यहाँ पर खाना खाने लग गए हैं। Yeah.
दोस्तों अभी हम लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुन के घर आ चुके हैं और टाइम भी रात के 11 बज चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।